वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हमने तीन थ्योरियों को इन डिटेल में पढ़ा। फर्स्ट थ्योरी वाज अरहेनस एक्वस थ्योरी, सेकंड थ्योरी वाज ब्रॉन्स्टेड लोरीज थ्योरी, थर्ड वन वाज लेविस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इन तीन थ्योरियों में सेकंड वन जो ब्रॉन्स्टेड लोरीज प्रोटॉनिक कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हम अक्सर यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टू डिसाइड एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ये हम अक्सर यूज करते हैं। मैंने आपको बोला स्ट्रांग एसिड्स हैव वीक कंजुगेट बेस एंड स्ट्रांग बेसिस हैव वीक कंजुगेट एसिड। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर मैंने आपको ये भी बोला एसिड की स्ट्रेंथ को हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ के ए वैल्यू। ऐसी ही स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ के बी वैल्यू। इस पर हमने क्वेश्चन भी किए, ठीक है बेटा। और हमने ये भी सीखा हाउ टू राइट कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। मैंने आपको यहां पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप इनका आंसर निकालो जल्दी। क्वेश्चन नंबर वन, विच वन इज स्ट्रांगेस्ट एसिड। आपको बोलना है इन चार में से सबसे स्ट्रांग एसिड कौन है। इसने वैल्यू दिया है पीके 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 और पीके। आप ऊपर वाले मॉलिक्यूल को मत देखो, ये हम ऑर्गेनिक में आपको सिखाएंगे। यहां पर देखो जिसका पी के वैल्यू कम होगा उसका के वैल्यू ज्यादा होगा, वही स्ट्रांग एसिड होगा। बताओ किसका पी के वैल्यू कम है। मुझे दिख रहा है फर्स्ट वन, इसका पी के वैल्यू कम है, इसका मतलब इसका के वैल्यू ज्यादा होगा, इसका मतलब यही स्ट्रांग एसिड होगा। इसका आंसर आएगा फॉर्मिक एसिड। क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाओ, राइट कंजुगेट बेस ऑफ, एक इस मॉलिक्यूल का लिखना है और इस मॉलिक्यूल का। बताओ बेटा कैसे लिखोगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। देख बेटा इसका हमें लिखना है कंजुगेट बेस। मैंने कल आपको सिखाया कंजुगेट बेस में एक एच प्लस कम होता है, निकालो इस मॉलिक्यूल से एक एच प्लस, क्या बचेगा, इट विल बी सी एच थ्री होल थाइस एम, ये बचेगा, ये होगा इसका, इट विल बी इट्स कंजुगेट बेस। ये एसिड दिया मैंने, ये इसका कंजुगेट बेस है। आईसी हमें लिखना है इसका कंजुगेट बेस। इस मॉलिक्यूल का नाम है हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड, इसका नाम है हाइड्रोजोइक एसिड। NH3 का नाम है अमोनिया, लेकिन ये है हाइड्रोजोइक एसिड। हमें इसका लिखना है कंजुगेट बेस, निकालो इसमें से एक एच प्लस, क्या बचेगा N3 नेगेटिव। इस मॉलिक्यूल का नाम है अजाइड आयन, इसका नाम क्या है अजाइड आयन। हाइड्रोजोइक एसिड का कंजुगेट बेस होता है अजाइड आयन, नोट करो। वही मैंने क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया है राइट कंजुगेट एसिड ऑफ अजाइड आयन। बता बेटा कैसे लिखोगे, ये भी सबसे आसान है। अजाइड आयन ये मैंने अभी ऊपर शो किया, इसका लिखना है कंजुगेट एसिड, इसमें आपको एक एच प्लस एड करना है। जैसे ही आप इसमें एक एच प्लस एड करोगे तो ये कन्वर्ट होगा N3H में, ये बनाएगा हाइड्रोजोइक एसिड। अब हम ऐसे याद रखेंगे हमारे पास है हाइड्रोजोइक एसिड, इट इज N3H। जैसे ही इसने एक प्रोटॉन लॉस किया इसने बनाया N3 नेगेटिव, इसका नाम है अजाइड आयन, इसका नाम है हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड। ये अगर एसिड है तो ये इसका कंजुगेट बेस है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। द कंजुगेट बेस ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड इज अजाइड आयन, क्लियर। ये हुआ क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर चार पे आ जाओ, बताओ बेटा आपको बोलना है, क्वेश्चन में लिखूंगा विच, ऐसे करो अरेंज अरेंज दीज बेसिस इन डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, करो जल्दी। इन चार मॉलिक्यूल्स को आप अरेंज करो इन डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, जो सबसे स्ट्रांग बेस है वो पहले लिखो। बताओ इसने क्या दिया, इसने दिया पीकेबी वैल्यूज, बहुत आसान है। मैंने कल बोला जिस बेस का केबी वैल्यू ज्यादा होगा वो स्ट्रांग बेस कहलाता है, उसका पीकेबी वैल्यू कम होगा। देखो किसका कम है, इट इज सबसे कम है
इस मॉलिक्यूल का, अगर मैं इसको लिखूं ए, इसको मैं डिनोट करूं बी से, इसको मैं डिनोट करूं सी से, इसको मैं डिनोट करूं डी से, सबसे स्ट्रांगर बेस होगा सी, क्योंकि इसका पी के वी वैल्यू कम है, इसका के वी वैल्यू हाई होगा, मतलब ये स्ट्रांगर बेस होगा। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद कौन आएगा डी, और सबसे कम बेस होगा ए, क्योंकि इसका पी के वी वैल्यू सबसे ज्यादा है, ए वाले का पी के वी वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसलिए ये सबसे कमजोर बेस होगा। सी वाले का पी के वी वैल्यू सबसे कम है, इसका मतलब इसका के वी वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, ये स्ट्रांगर बेस होगा। ये हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सेकेंडरी अमाइनस आर हाईली बेसिक, यहां पर इतना नोट करो, हम पी के वी से आइडेंटिफाई करेंगे कौन बेस स्ट्रांग कौन बेस वीक, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। जिस बेस का के वी वैल्यू ज्यादा होगा वो स्ट्रांगर बेस कहलाता है, लेकिन उसका पी के वी वैल्यू कम होगा, बिकॉज के वी एंड पी के वी आर इनवर्स इन नेचर, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बताओ बेटा, राइट डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंजुगेटिव बेसिस, मैंने आपको दिए कंजुगेटिव बेसिस, आपको डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ में लिखना है, हमेशा याद रखना स्ट्रेंथ का मतलब होता है रिएक्टिविटी, स्ट्रेंथ मीन्स रिएक्टिविटी, जो मॉलिक्यूल ज्यादा रिएक्टिव होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, याद रखना। जो ऑर्डर स्ट्रेंथ का आएगा वो ऑर्डर रिएक्टिविटी का होता है, रिएक्टिव नेचर का होता है, लेकिन उसका इनवर्स ऑर्डर किसका आएगा, स्टेबिलिटी। क्वेश्चन वो कल ये भी पूछेगा विच वन इज मोर स्टेबल विच वन इज लेस स्टेबल। ठीक है बेटा, पहले हम करेंगे इसको इस हिसाब से स्ट्रेंथ ऑर्डर में लिखो, मगर कौन सी डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसका मतलब है जो सबसे स्ट्रांग कंजुगेट बेस है वो पहले लिखो। बताओ इन चार में स्ट्रांग कंजुगेट बेस कौन है, कल मैंने सिखाया, अगर मैं इसका एसिड बनाऊं ये बनाएगा एच एफ, इसका बनाऊ एसिड ये बनाएगा एच सी एल, इसका बनाऊ में एसिड ये बनाएगा एच बी आर, इसका बनाओ में एसिड ये बनाएगा एच आई। बताओ इन चार में स्ट्रांग एसिड कौन है, ये वाला स्ट्रांग एसिड है, मतलब इसका कंजुगेट बेस वीक होगा, इसका कंजुगेट बेस जो आई नेगेटिव हुआ है, आई नेगेटिव है, ये वीक कंजुगेट बेस है, इट इज वीक कंजुगेट बेस, आई सी एच एफ इज ए वीक एसिड, लेकिन जो इसका कंजुगेट बेस बनेगा एफ नेगेटिव, ये जो कंजुगेट बेस है ये स्ट्रांग होगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रांग, इसका मतलब है ऐसे ऑर्डर आएगा, अगर वो पूछेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर तो रिवर्स आएगा, एफ नेगेटिव से ज्यादा स्टेबल सी एल नेगेटिव, उससे ज्यादा बी आर नेगेटिव, उससे ज्यादा आई नेगेटिव। समझाओ सो चुन किहीन करूं, गोडन बनाओ तुम एसिड, सबको दे दो एच प्लस एच प्लस एच प्लस एच प्लस, फिर मैंने कल आपको सिखाया स्ट्रांगर एसिड इज एच आई, डाउन द ग्रुप एसिडिक रेटर इंक्रीजेस, स्ट्रांगर एसिड का कंजुगेट बेस वीक होगा, इसका मतलब आई नेगेटिव इज वीक कंजुगेट बेस, आई नेगेटिव इज वीक, एच एफ इज ए वीक एसिड, लेकिन इसका कंजुगेट बेस एफ नेगेटिव विल बी स्ट्रांग, ये हाईली रिएक्टिव होगा, हाईली रिएक्टिव होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज स्मॉल एरिया में है, यहां पर नेगेटिव चार्ज लार्ज एरिया में है, आई नेगेटिव इज लेस रिएक्टिव, हाईली स्टेबल, स्टेबिलिटी ऑर्डर रिवर्स आएगा। इस पे आ जाओ, बनाओ जल्दी इसको, मीथेन अमोनिया वाटर एच एफ, किसका, ये सभी एक ही पीरियड के हैं, बताओ यहां पर एसिड करेक्टर इंक्रीज होता है, जैसे एसिड करेक्टर इंक्रीज होगा एच एफ स्ट्रांगर एसिड होगा, लेकिन इसका कंजुगेट बेस वीक होगा। समझावा, आईसी अमोनिया ये बनाएगा मीथेन बनाएगा, मीथेन इज ए वीक एसिड, इसका कंजुगेट बेस स्ट्रांग होगा, इसका मतलब ऑर्डर ऐसे आएगा, ऐसे डिसाइड करो, बहुत आसान है। ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, डाउन द ग्रुप जा रहा है, कल मैंने आपको सिखाया, अगर मैं इसको H दूं ये बनेगा वाटर, ये बनेगा H2S, ये बनेगा H2SE, ये बनेगा H2T, डाउन द ग्रुप एसिडिक रेटर इंक्रीजेस, मतलब नीचे वाला स्ट्रांगर एसिड होगा, इसका कंजुगेट बेस वीक होगा। वाटर को देखो, ये वीक एसिड है लेकिन कंजुगेट बेस स्ट्रांग होगा, हाईली रिएक्टिव होगा, ऑर्डर बनेगा ऐसे। यह है नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, इसका ऑर्डर भी ऐसे आएगा, सेम रीजन। अगर मैं कहूंगा स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो, इसका रिवर्स आएगा, नोट करो एंट्रेंस में आता है। ये क्वेश्चन नीट में आते हैं, जेई में आते हैं।
ठीक है बेटा ऐसे ही करना, वो देगा क्वेश्चन बताओ स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ कंजुगेट बेसिस, बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कंजुगेट बेसिस। मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाया, इनको पहले कन्वर्ट कर दो एसिड में, फिर जो एसिड स्ट्रांग होगा उसका कंजुगेट बेस वीक होगा, कहानी खत्म। इतना ही याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। मैं मालिक्यूल दे रहा हूं, इनको लिखो। फर्स्ट इट इज CH4, इट इज NH3, इट इज वाटर, इट इज HF। सेकंड लिखो NH3, PH3, ASH3, SBH3। करो जल्दी, थर्ड करो HF, HCl, HBr, HI। करो जल्दी बेटा। जल्दी करो, ये वाला भी करो। ठीक है बेटा, मैंने आपको चार क्वेश्चंस दिए ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ, आपको अरेंज करना है। जो स्ट्रांग एसिड है पहले रखो, जो वीक है एंड पे रखो। कल मैंने दो रूल सिखाए, डाउन द ग्रुप कौन सा रूल यूज करोगे, ओवरलैपिंग वाला रूल, साइज वाला रूल। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अलॉन्ग द पीरियड आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो स्ट्रांग एसिड है। कल मैंने आपको सिखाया, जल्दी करो, एंट्रेंस में आता है। देख बेटा, यहां पर है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सेम पीरियड है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो स्ट्रांग एसिड है। ये बनेगा ऐसे, ठीक है। आपको लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे ये मानो सबसे स्ट्रांग ये, इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये, ठीक है बेटा। बताओ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये डाउन द ग्रुप है, जिसका साइज ज्यादा वो स्ट्रांग एसिड है। इसका मतलब है इसका ऑर्डर ऐसे आएगा, ठीक है बेटा। HF, HCl, HBr, HI, डाउन द ग्रुप जिसका साइज ज्यादा वो स्ट्रांग एसिड है। सबसे ज्यादा साइज आयोडीन का, उससे कम ब्रोमियन का, उससे कम क्लोरीन का, सबसे कम फ्लोरीन का, ऐसे ऑर्डर आएगा, ठीक है बेटा। फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ये जा रहा है अलॉन्ग पीरियड, ये जा रहा है अलॉन्ग पीरियड। पीरियड में क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, फास्फोरस की ज्यादा, सल्फर की ज्यादा या क्लोरीन की। सबसे ज्यादा क्लोरीन, इसका मतलब क्लोरीन, फिर ये सबसे कम आएगा फास्फीन। नोट करो, दिस इज एसिडिक ऑर्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सेवन पे आ जाओ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेवन, ये सभी क्वेश्चन नीट और JEE वाले हैं, अच्छे से करना। विच वन इज स्ट्रांग एसिड, आपको बताना है विच वन इज स्ट्रांग एसिड। फर्स्ट ऑप्शन मैंने लिखा यहां पर HCOOH, इसको मैंने लिखा HF, इसको लिखा हमने HNO2, इसने दिया वैल्यू Ka वैल्यू और ग्यून। इसका Ka वैल्यू है 1.8 × 10⁻⁴, इसका है 3.5 × 10⁻⁴। ये वैल्यू आपको याद नहीं रखना है, ये दिया होगा 4.5 × 10⁻⁴, आपके बुक पे भी लिखा है। बताओ इन मैं स्ट्रांगर एसिड कौन है। क्वेश्चन नंबर सेवन पे आ जाओ, एट पे आ जाओ। चलो बेटा कंटिन्यू करेंगे, दिस वॉज पार्ट, ये मानेंगे फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, इसी क्वेश्चन नंबर सेवन का सेकंड पार्ट, इसने लिखा है HCl, यहां पर लिखा है फिनॉल, यहां पर लिखा है
बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड आपको स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, हम करेंगे डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ के ए वैल्यूज। इसने लिखा है इसका के ए वैल्यू किसके बराबर है, के ए इक्वल टू, के ए वैल्यू इक्वल टू 4.9 × 10⁻¹⁰, इसका है 1.3 × 10⁻¹⁰, इसका है 6.5 × 10⁻¹⁵। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। इसने दिया मॉलिक्यूल CH3 2NH, ये सेकेंडरी अमाइन है। ठीक है बेटा, ये लून पेयर होता है। दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली होता है अमोनिया इन वाटर। ठीक है, यहां पर हमने लिखा पिरिडियम, पाइरिडियम, यहां पर लिखा हमने एनिलियम, एनिलियम, और यहां पर है यूरिया। वैल्यू दिया है, ये के बी वैल्यूज है किसके बराबर, 5.4 × 10⁻⁴, इसका है 1.7 × 10⁻⁵, इसका है 1.7 × 10⁻⁹, इसका है 4.2 × 10⁻¹⁰, इसका है 1.3 × 10⁻⁴। करो जल्दी ये क्वेश्चंस। ये इसका वैल्यू है, ये इसका वैल्यू है, ये इसका है, दिस बिलोंग्स टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये इसका है। बताओ जल्दी बेटा कौन स्ट्रांग कौन वीक। ठीक है बेटा करो, विच वन इज स्ट्रांगेस्ट। देख बेटा कैसे करेंगे, बहुत आसान है, आपको देखना है जिसका के वैल्यू सबसे ज्यादा है। इसका के वैल्यू क्या है, देखो -4 −4 −4 पावर सेम है। अब देखो इस वैल्यू को, इट्स 1.8, इट इज 3.5, इट इज 4.5, बताओ किसका वैल्यू ज्यादा है। इट इज 4.5 × 10⁻⁴, ये वाला सबसे स्ट्रांग एसिड होगा, टिक मारो, इट इज स्ट्रांग एसिड। ठीक है चलो इस पे आ जाओ, HCN फिनाल और बेंजोइक एसिड, बताओ वैल्यू। यहां पर है 10⁻¹⁰, 10⁻¹⁰, 10⁻¹⁰, मोर नेगेटिव मीन्स लेस, यहां पर नेगेटिव वैल्यू कम है, इसका मतलब ये सबसे स्ट्रांग एसिड होगा। ठीक है बेंजोइक एसिड भी, उसके बाद कौन आएगा, इन दो में कौन आएगा, इन दो में आएगा ये स्ट्रांग एसिड है HCN, उसके बाद फिनॉल। अगर कहेगा ऑर्डर में करो तो सबसे स्ट्रांग एसिड ये है, सेकंड पे आएगा फिनॉल, थर्ड पे आएगा HCN। ऊपर वाले में बताओ, पहला ये आया गुड नाइट्रस एसिड, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, इन दो में कौन जिसका वैल्यू ज्यादा है, वो HF का है, ये सेकंड पे आएगा, सबसे कम आएगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, आप अरेंज भी कर सकते हो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, वो कहेगा स्ट्रांग एसिड कौन है, वीक एसिड कौन है, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिटिक स्ट्रेंथ, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिटिक स्ट्रेंथ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। डरा नहीं, आपको सिर्फ के ए वैल्यू देखना है। ये बेसिस है, सब बेसिस है, मैंने आपको 5 बेसिस दी, मैंने बोला आपको कौन इनमें स्ट्रांगर बेस है कौन कम, या इनको ऑर्डर में अरेंज करो, जो स्ट्रांगर बेस है वो पहले रखो। बताओ क्या देखोगे, के वी वैल्यू इसका है 10⁻⁴ −5 −9 −10 −14, बाय डिफॉल्ट ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबसे ज्यादा स्ट्रांगर बेस यही होगा क्योंकि इसका के वी वैल्यू ज्यादा है। उसके बाद आएगा ये, क्योंकि इसका के वी वैल्यू थोड़ा इसे कम, लेकिन उसके बाद आएगा ये, उस सबसे कम यूरिया आएगा क्योंकि यूरिया का वैल्यू है −14, इसका क्या है एनिलिन का −10, इसका वैल्यू −9, इसका वैल्यू −5, इसका वैल्यू −4, सबसे ज्यादा इसका, मतलब इसका के पी वैल्यू ज्यादा है। इसका पी के भी वैल्यू क्या होगा, पी के भी वैल्यू भी सबसे ज्यादा लेस इसका होगा, और जो है ये है यूरिया, इसका पी के भी वैल्यू क्या होगा, सबसे ज्यादा मोर होगा, हाईएस्ट इसका होगा, लेस इसका होगा, मैं लूंगा इससे हाईएस्ट, इसका हाईएस्ट आएगा पी के बी वैल्यू, लेकिन के बी वैल्यू कम है इसका, नोट करो, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, क्वेश्चन है विच प्रोटॉन इज इजी टू रिमूव, आपको बताना है जो मैंने ये मॉलिक्यूल्स दिए हैं ये पॉलीप्रोटिक एसिड्स है, इनमें एक से ज्यादा प्रोटॉन्स है, आपको बताना है किस प्रोटॉन को निकालना आसान है। पहला क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड के पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं, पहले प्रोटॉन को निकालने के लिए उसका के वैल्यू इतना है, सेकंड के लिए के ए2 का वैल्यू ये है,
बताओ किसका किस प्रोटॉन को निकालना आसान है, जिसका के ए वैल्यू ज्यादा है। बताओ किसका ज्यादा है, मुझे लग रहा है के ए वन इज ग्रेटर देन के ए टू। आप वैल्यू को देख सकते हो, इट इज 10^-4, इट इज 10^-12। इसका मतलब है फर्स्ट प्रोटॉन को निकालना आसान है। मैं लिखूंगा फर्स्ट एच प्लस, इसको निकालना आसान है क्योंकि इसका के ए वैल्यू ज्यादा है। कार्बोनिक एसिड H2CO3, इसके पास दो प्रोटॉन है। पहले प्रोटॉन को निकालने के लिए हमारे पास आया के ए वन आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, उसका वैल्यू इतना आया 10^-7, 4.3 10^-7, ये 10^-7 है। सेकंड प्रोटॉन को निकालने के लिए हमारे पास वैल्यू आया 10^-11, दैट इज 5.6 10^-11, ज्यादा कौन है फर्स्ट। इसका मतलब ये हुआ पहला प्रोटॉन निकालना आसान है, फर्स्ट प्रोटॉन। यहां पर भी आंसर आएगा फर्स्ट प्रोटॉन। पहला H प्लस यहां से निकालना आसान है, दूसरा H प्लस निकालना मुश्किल है क्योंकि वहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। कल मैंने बोला नेगेटिव चार्ज स्पीसीज से प्लस H प्लस निकालना मुश्किल है क्योंकि वहां इनके दरमियान होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, उसका नाम क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज से H प्लस निकालना मुश्किल है क्योंकि वहां पर ज्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिट्रिक एसिड ये ट्राई प्रोटिक एसिड है, इसके पास तीन प्रोटॉन्स होते हैं। पहला निकालने के लिए हमें हमारे पास आया के ए वैल्यू 7.4 10^-4, दूसरा प्रोटॉन निकालने के लिए वैल्यू आया 1.7 10^-5, तीसरा प्रोटॉन निकालने के लिए हमारे पास वैल्यू आया 4 × 10^-7। बताओ किस प्रोटॉन को निकालना आसान है, सबसे आसान निकालना है फर्स्ट प्रोटॉन क्योंकि वैल्यू ऑफ के इज मोर। उसके बाद सेकंड प्रोटॉन को निकालना आसान है, पहले आएगा फर्स्ट प्रोटॉन, उसके बाद सेकंड प्रोटॉन, सबसे मुश्किल निकालना है थर्ड प्रोटॉन। ये मैंने कल आपको सिखाया है, आपको वैल्यू याद नहीं रखना है, आपके बुक पे ये दिया है। ठीक है बेटा, आप यहां से हम कंक्लूड करते हैं जिसका के वैल्यू ज्यादा होगा उस वो रिएक्शन जल्दी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, वो प्रोटॉन जल्दी निकलेगा। ये मैंने कल भी बोला आपको पॉलीप्रोटिक एसिडों में पहला प्रोटॉन निकालना आसान है, दूसरा निकालना मुश्किल है, तीसरा निकालना सबसे मुश्किल है। ये मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया, वो एंट्रेंस में क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, वो वैल्यू देगा, बोलेगा बताओ किस प्रोटॉन को निकालना आसान है, किसको निकालना मुश्किल है। जिसका के वैल्यू ज्यादा होगा उसको निकालना आसान है, जिसका के वैल्यू कम होगा उसको निकालना मुश्किल है। वो कल इसको चेंज करेगा, वो बनाएगा इसको पीकेबी। अगर के वैल्यू ज्यादा है इसका पीकेबी पीके ए वैल्यू कम होगा। अगर के ए वैल्यू इस प्रोटॉन के लिए थर्ड प्रोटॉन के लिए कम है इसके लिए पी के ए वैल्यू ज्यादा होगा। याद रखना के ए एंड पी के आर इनवर्स टू ईच अदर। दिस वाज एक्सरसाइज ऑन प्रीवियस लेक्चर्स जो हमने दिए। इन क्वेश्चनों को आप घर में एक बार चेक करना है और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको नीट और जेडब्ल्यू में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है बेटा, अच्छे से इनको एक बार फिर चेक करना, आज के लिए काफी है।